श्री कृष्ण राधे राधे श्री हरिदास। तो यहाँ बैठे हमारे सभी लाला और सारे गोल आकार में आके बैठे हुए हैं। सब ना गेम्स खेल रहे हैं ये, और यहाँ बैठे हैं शालिग्राम जी और ये सब गेम खेल रहे हैं। और आज हम बात करेंगे, आपके दो कमेंट्स थे, साथ ही मैं लीला भी बता दूंगी आपको कि दो कमेंट थे। एक ने लिखा कि आपके यहाँ इतनी लीला होती है तो सभी भगवान जो है देखने आते होंगे, जैसे कि हनुमान जी और शिव जी। तो मैं आपको बता दूँ, हनुमान जी जो है शिव बाबा के ही अवतार है, और हमारे यहाँ ऑलरेडी शिव बाबा पहले दूसरे रूम में थे जहाँ बच्चे थे, तो लेकिन जिद करने के बाद वो भी इसी रूम में आके विराजते हैं, वो भी यहीं बैठते हैं, क्योंकि ये यहीं लीला करते हैं। तो वही जहाँ ये बच्चे जाते हैं ना, ये शिव बाबा वहीं पे आ जाते हैं, इनको वही सारी चीज़ करनी पड़ती है। इवन मैं आपको ये भी बताऊँ कि हम शालिग्राम जी की सेवा में नहीं है अभी तक, और ये जो है शालिग्राम जी हमारे यहाँ आए हैं श्रृंगार के लिए। ठीक है, ये देखिए, ये श्रृंगार के लिए आए हुए थे, तो अब 2 दिन से यहाँ पे हम सेवा भी उनको दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है, जबकि वो विष्णु जी के अवतार है, सभी को पता है ये बात कि किस तरह से शालिग्राम जी और तुलसी मैया, ये सब जो भी पौराणिक कथाएँ हैं सभी को अच्छे से ज्ञात भी हैं, और ये बड़े भी हैं। लेकिन हमारे घर पे हम इनकी जो सेवा कर रहे हैं वो भी बाल अवस्था में ही कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि मुझे यहाँ बिठाओ, मुझे यहाँ लिटाओ, मुझे ऐसे श्रृंगार करो। मतलब बहुत आनंद मिलता है जब वो ऐसे कहते हैं, घर में खुशी है, सोना है, मतलब कोई भी आके कहता है कि वो ऐसे बोल रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है करो जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही करो। तो इनको भी बहुत आनंद मिल रहा है, और जिनके ये लाला हैं वो भैया अभी तक आए नहीं है लेने के लिए। हम लाला बोल रहे हैं क्योंकि हमारे मुख से सबके लिए लाला निकला है, सिर्फ सिर्फ एक शिव बाबा हैं जिनके लिए बाबा निकलता है, अन्यथा हम उनके उनको भी वैसे ही सजाते हैं जैसे लालाओं को सजाते हैं, या उनके लिए भी वस्त्र बनाते हैं, यमुना मैया के लिए भी बनाते हैं, वृंदा मैया के लिए भी बनाते हैं, जैसा ये मतलब शक्ति दे देते हैं हम वैसा ही कार्य कर देते हैं। ठीक है, तो और दूसरा एक कमेंट था किसी, बहुत सारे वैसे कमेंट गोलू के लिए तो काफ़ी कमेंट थे कि आज आपका गोलू नहीं दिखा। तो भाई कल गोलू वास्तव में बहुत सुंदर लग रहा था, और मुझे लग रहा था मैं दोनों लीलाएं आपको कल ही बता दूंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैं बहुत थकी हुई थी और कल मैं सो गई, और सोने के कारण मैं शाम को उठी, और शाम को ही हमको जाना था मार्केट, क्योंकि कल आप सभी को मालूम है कल है मोहिनी एकादशी। तो सबसे पहले मैं आपको मोहिनी एकादशी के उपलक्ष्य में बहुत सी बातें हैं वो मैं बता देती हूँ पूर्ण रूप से, ताकि आपको एक दिन पहले पता चल जाए। ठीक है, तो एकादशी जो है कल रखी जाएगी, क्योंकि मैंने अष्टमी रखी है, तो मैं उसके आधार पर ही एकादशी कल 11 तारीख की पड़ रही है। तो हम 11 तारीख को एकादशी का व्रत रख रहे हैं, और इस दिन भगवान हमारे लाला जो है वो मोहिनी रूप धारण करेंगे, तो उनके वस्त्र हम लेने गए हुए थे। तो सोचो रात में हम लोग गए हैं, 6:30 बजे करीब निकले हैं, पहुँचते पहुँचते मतलब रात को 9:30 बजे घर पे आए हैं, मतलब रात हो गई है, और एक ही दिन में वो वस्त्र जो है, आज वो वस्त्र बनने की सब तैयारी चल रही है, और ये कल आपको मोहिनी रूप में मिलने वाले हैं। तो आप सबको मैं बता दूं कि कल आप सभी अपने लालाओं को, आपकी लाली तो देखिए ऑलरेडी वो मोहिनी है, लेकिन लालाओं को मोहिनी रूप ज़रूर दे, उन्हें एक स्त्री का रूप दे, क्योंकि पिछले साल इसी दिन कान्हा जी ने प्रथम बार मुझे एकादशी का व्रत रखने की आज्ञा दी थी इसी दिन, और सोना को भी हमने इसी दिन से ये सारे कार्य शुरू किए थे, और हमने मोहिनी एकादशी से ही एकादशी का व्रत प्रारंभ किया था जो कि कल है। और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे स्त्री का रूप धारण करवाना, और मतलब आशीर्वाद दिया था। तो अब हमें इस साल सब पता है, तो प्रभु अब बताने नहीं आ रहे हैं, उनको पता है कि हमें पता चल गया है कि अब क्या करना है। ठीक है, तो कल ये सब मोहिनियाँ आपको मिलेंगी, उसकी तैयारी चल रही है घर में। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इस दिन एकादश मोहिनी एकादशी का बहुत ही बड़ा महात्म्य है, और उसको आप इसकी जो कथा होती है उसको ज़रूर श्रवण किया करें, और एकादशी के दिन तो ज़रूर। एकादशी को किस प्रकार से रखना होता है, देखिए जैसे आप नॉर्मल व्रत रखते हैं ना, सारे व्रत वैसे ही होते हैं, बस आपके भाव के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि आप सबसे पहले उठेंगे, उठने के बाद आप प्रभु को इस चीज़ के बारे में बताएंगे, मैं आपको शुद्ध भाषा में बता रही हूँ, हम आह्वान करेंगे, हम प्रभु को ये बोलेंगे, हम आचमन करेंगे, ये सब नहीं, आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, आप प्रभु को बोलेंगे
हे एकादशी मैया, आप प्रभु के समक्ष खड़े हैं और आप कहेंगे कि मैं आपका व्रत रखना चाहती हूँ या चाह रही हूँ, ये मेरा प्रथम टाइम है और मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। इस तरीके से आप प्रार्थना करते हुए उसका संकल्प लेंगे कि मैं व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। दूसरी, इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के दिमाग में हैं। इस दिन बाल नहीं धोना है, या मतलब किसी भी एकादशी को लोग कहते हैं कि हमें बाल नहीं धोने हैं, झाड़ू नहीं लगाना है या ब्रश नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें निर्जला एकादशी के लिए इसलिए बोली जाती है क्योंकि निर्जला का मतलब होता है बिना जल के। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी व्रत, जब तक आप मन के साथ, तन के साथ, आपकी शुद्धता होनी चाहिए, यानी तन भी शुद्ध होना चाहिए जब आप व्रत रखें। तो बाल इसलिए कंघी करने के लिए मना करते हैं कि उस दिन आप अपना व्यर्थ में समय वेस्ट ना करें। ठीक है, बाल टूटने से आपको कोई पाप नहीं लगने वाला है, उसकी उसकी प्रकृति है, वो टूटेगा। ठीक है, अगर बाल कमज़ोर हैं वो टूटेंगे, है ना, एक बात समझ के देखिए। लेकिन हाँ, इस दिन क्योंकि आप जल्दी अपने घर के कार्यों से फ्री हो जाए, जैसे कि आप कपड़े नहीं धो सकते, साबुन का इस्तेमाल नहीं करना, ये सिर्फ भ्रांतियाँ हैं। ये इसलिए किया जाता है कि स्त्रियाँ, उनके पास घर के बहुत सारे कार्य होते हैं और वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाती हैं, इस वजह से इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं झाड़ू की बात ये कहूँगी कि झाड़ू लगाने के लिए इसलिए मना किया जाता है कि हम उस दिन कोई भी पाप ना करें, जैसे कि चींटियाँ मर सकती हैं और मक्खियाँ मर सकती हैं। अब मान लीजिए घर के सारे सदस्यों ने रखा है व्रत, ठीक है, सारे सदस्य व्रत में हैं, अब झाड़ू कौन लगाएगा? अब बिना झाड़ू आप मुझे बताइए, आप पूजा घर में कैसे पूजा करेंगे? आपको झाड़ू नहीं, आप चलो पोछा लगाएंगे, आप पोछा भी लगाएंगे तब भी भाई बहुत सारी अगर चींटियाँ आ गई तो हो सकता है आपसे पाप तो हो ही जाएगा। तो झाड़ू पोछा ज़रूर करिए। ठीक है, ये सिर्फ, ये देखिए, ये हमारा कार्य है, इसको हम करेंगे लेकिन सावधानी के पूर्वक करेंगे, जानबूझकर हम किसी को भी हानि नहीं पहुँचाएंगे। आप समझ गए मेरी बात? ये प्रैक्टिकल वे के साथ साथ एक सोचने पर मजबूर करता है कि ये सारी चीज़ें क्यों लोग नहीं करते हैं। और पूर्ण रूप से सत्य यही है कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान को याद करने में निकले, इसलिए एकादशी को बहुत सारे काम को स्किप कर देते हैं। आप उस दिन बहुत सारे कपड़े इकट्ठे कर दो भाई, मत धो, ठीक है, कल धो लेंगे, कोई बात नहीं, आज का हमारा समय बच जाएगा, प्रभु सेवा में लग जाइए। झाड़ू पोछा तो ज़रूर करना है, सफाई बहुत मस्ट है, ठीक है, लेकिन सावधानी के साथ में आप करिए। खुद भी स्नान करिए, अच्छे से स्नान करिए, ठीक है, आप दांत भी साफ करिए, ऐसा नहीं है, आप अपने बालों को भी अच्छे से कॉम करिए, ये सब शुद्धता ज़रूरी होती है। ठीक है, आप केमिकल्स यूज जो चीज़ें हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है व्रत के कुछ चीज़ें, लोगों में बहुत बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें मान लीजिए आपने नहीं की, ठीक है, मान लो आपने बाल नहीं कॉम किया, झाड़ू नहीं लगाया, आपने कपड़े नहीं धोए, आपने ये सारी चीज़ें नहीं की और आपने व्रत रखा है, लेकिन आपके मन में जो अच्छे विचार हैं वो नहीं हैं। आपने उसी दिन किसी से झगड़ा कर लिया, ठीक है, आपने किसी को ये दिखाने की चेष्टा की कि मैं बहुत महान हूँ या मैं व्रत कर रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, आपने अगर ये भी शो कर दिया ना तो आप पाप के मतलब हितकारी हो गए, ये समझ लो, आपको पाप उसमें भी लग जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा शुद्धता या सबसे बड़ी शुद्धता होती है मन की, मन के बाद तन की, ठीक है, तन भी शुद्ध करना है, फिर मन कर लिया ना शुद्ध, अब तन को भी शुद्ध कर लो, तन भी शुद्ध हो गया तो अब घर को भी शुद्ध कर लो, ये तीनों चीज़ अनिवार्य है, ये आप करें। अब आते हैं हम खाने की बात पे। कोई भी चीज़ आप खुद समझिए कि एक व्यक्ति ऐसा है जो बिना पानी के हर बार व्रत रख सकता है क्योंकि उसको शायद व्रत रखते हुए प्रैक्टिस भी हो जाती है। कुछ ऐसे हैं जिनको अभी प्रैक्टिस नहीं है और वो एक वक्त फलाहार करना चाहते हैं तो अन्न वर्जित है, आप अन्न को बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते एकादशी के दिन। अन्न खाना मतलब जहर खाने के बराबर है, ये समझ लो कि आपने अन्न अगर एकादशी के दिन खा लिया, जिसने व्रत किया है, और जिन्होंने व्रत नहीं भी किया है उसे भी एकादशी के दिन अन्न का
त्याग करना चाहिए, अन्न को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन, मतलब मैं छोटा सा आपको उदाहरण दे देती हूँ कि एकादशी के दिन और पाप में जब प्रभु के सामने जाके वार्तालाप हुई कि भाई इतने सारे पुण्य पुण्य हो जाएंगे, तो भाई पाप तो प्रभु ने ही दिया है कि पाप भी रहेगा दुनिया में, कलयुग में या सारी दुनिया में, तो पाप ने कहा कि एकादशी जी तो सबको जो है पुण्यवान बना देंगी, तो मैं कहाँ रहूँगा फिर, मैं भी तो पुण्य में चला जाऊंगा। तब ये आज्ञा मिली कि वो जो पाप है वो अन्न में जाकर रहने लगेंगे, ठीक है। तो जब वो अन्न में रहता है तो जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण करता है, ये समझ लो कि उसने सारे पाप को ग्रहण किया है अपने पूरे जीवन के। इसलिए कोशिश यही करें कि आप एकादशी के दिन अपने बच्चों के लिए भी कुछ ऐसे भोजन बनाएं जो एकादशी से अलग हो। कोशिश कर सकते हैं ना, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक बार में ही करेंगे, आप ट्राई कीजिए, धीरे धीरे ट्राई कीजिए कि महीने में दो बार एकादशी पड़ती है और हम उन एकादशियों पे कुछ ऐसे भोग बनाना सीख लें कि हमारे घर के मतलब जो व्यक्ति है, या आप नहीं भी रोक पा रहे हो किसी को तो चलो छोड़ो भाई, जिसको नहीं रोकना है ना रोके, ठीक है, वो खाए अन्न। लेकिन आपने जो व्रत रखा है और आप बिना व्रत के भी अगर अन्न को छोड़ देते हैं तो आप यकीन मानिए आप भी पुण्य के हकदार हैं उतने ही जितना एक व्रत करता, क्योंकि आपने भी तो अन्न नहीं खाया। आप समा के चावल खा सकते हैं, आप कुट्टू का आटा खा सकते हैं, ठीक है, आप जो है मिक्स एक चावल और आता है उसका नाम मुझे याद नहीं है, आप वो खा सकते हैं, आप बहुत सारे फल खा सकते हैं, ठीक है, आप फलों के मतलब बहुत सारी चीज़ें दूध से बना सकते हैं, दूध से निर्मित चीज़ें खा सकते हैं, मतलब बहुत आइटम है। अगर आप चाहें तो इस प्रकार से व्रत को बहुत आसानी से रख सकते हैं शुरुआती दौर पर। आप एक दो साल व्रत रखेंगे, अपने आप ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि फिर आप एक फल पे भी व्रत रख पाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कोई भी फल या कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी तो मैं भी एक समय फलहार करती हूँ मतलब, और इस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे भी अन्न ना खाए। अब बात ये आती है हमारे कान्हा जी, क्या इनको भी अन्न नहीं देना चाहिए? देखो, इनको हम अन्न दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ना, वो हमारा हित ये करने वाले हैं, इनका कौन अहित करेगा, समझ गए मेरी बात। आप इनको बिल्कुल अन्न दे सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। अगर आप सभी के लिए बिना अन्न का भोजन बना रहे हैं तो आप इनको भी बिना अन्न का भोजन दीजिए, ये तो बड़े शौक से खाएंगे, इन्हें तो और मज़ा आता है, जितना सात्विक भोजन उतना प्रभु को आनंद आता है। तो बताइए एकादशी का व्रत कितना फलदायी तो है ही, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, आपके मन में एक अलग भोजन भी मिलेगा घर परिवार को, उनको भी अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से आप इस पूरे व्रत को रखें, खुश होएं, उस दिन आपको जितना समय मिले उतना आप नाम स्मरण कर सकते हैं बैठ के, ठीक है, प्रभु को याद करिए, कुछ नहीं है तो पैर दबा लीजिए, पैर नहीं तो पंखा कर लीजिए, ठीक है, पंखा भी नहीं कर रहा है तो जाइए, चलिए जाके बर्तन वर्तन धो लीजिए प्रभु के, है ना, अच्छे से चलिए आज चमका लेते हैं, नाम हर चीज़ में है प्रभु का, अब कैसे करना है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पारण समय और व्रत की शुरुआत तो आप सुबह मॉर्निंग से ही करते हैं, जैसे मैंने कहा पारण नेक्स्ट डे होता है, ठीक है, नेक्स्ट डे मतलब 11 को है तो 12 को आप पारण करेंगे, और पारण विधि भी कोई विधि, मतलब पारण का मतलब होता है व्रत को एक तरह से पूर्ण करना, ठीक है, उसका एक टाइम होता है फिक्स कि भी 8 से 10 तक करना है या 7 से 8 करना है, वो टाइम भी आपको बता दूंगी, तो आप उस हिसाब से इस इन व्रतों को रख लीजिए। उस समय पे आप जो है एक पत्ता तुलसी पात्र लेकर, लेकिन खुद आप तुलसी पात्र नहीं तोड़ सकते एकादशी को, तो बिल्कुल आप तुलसी मैया का पात्र नहीं तोड़ेंगे, आप एक दिन पहले तुलसी पात्र ले सकते हैं और तब जाके आप उसको दूसरे दिन पारण के समय जल के साथ लेके प्रभु चरणामृत लेके जिसमें स्नान किया है प्रभु ने, उस जल को लेकर आप प्रभु के सामने अपनी व्रत विधि आपको जो बोलना है बोलिए प्रभु को, ठीक है, और बोलने के बाद आप उस जल के साथ उस तुलसी पात्र को ले लीजिए, उसको चबाना नहीं है, आपको डायरेक्ट पानी के साथ लेना है उसी चरणामृत के साथ, तो आपका ये पारण हो जाता है। बहुत सारे लोग इतने सारे क्वेश्चन लिखते दी कैसे करना है कैसे करना है, अरे भाई आपके मन भाव पवित्र होते हैं सबसे बड़ी बात, तो ये समझ लो पारण का मतलब आपने कर लिया, प्रभु का चरणामृत भी अगर आपने ले लिया है, क्योंकि जब आप स्नान कराते हो एकादशी या किसमें तो आप तुलसी पात्र ज़रूर डालते हो, तो उसी से आपका व्रत का पारण हो जाता है, जिस पानी में या जिस जल में आपने प्रभु को स्नान कराया ना वही चरणामृत संपूर्ण है, ठीक है, तो उससे आप व्रत को खोलिए,
ये आपका व्रत इस तरह से पारण हो जाएगा। उसके बाद जो आपको दान, जैसी आपकी क्षमता है, आप दान पान जो भी करना है व्रत के पारण से पहले, ये सब आप पहले से मंस के रख दो। मंस समझते हो, यानी कि हमने अभी चीज़ें करी नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये बोल रही हूँ, मैं अभी दे नहीं पाई हूँ किसी को, पंडित को, गैया मैया को, या बाहर किसी गरीब को, या जिसको भी आपको देने की इच्छा है, आप वो चीज़ करिए। मैं इतना जो है दान करूँगी, और वो निकाल के आप अलग रख दीजिए। और भोजन, अगर आपको पंडित नहीं मिलते हैं, उनको भोजन नहीं करा पाते हैं, तो आप पूरी थाली, जितना एक व्यक्ति को भोजन लगता है, उतना भोजन आप गैया मैया को भेजिए, आपका व्रत उतना ही फलदायी रहेगा, है ना। तो ये आपकी पूरी विधि मैंने आपको बता दी है। और कल है मोहिनी एकादशी, तो आप इस व्रत को ज़रूर रखें, और प्रभु के सुंदर क्या होते हैं, दिन को इंजॉय करो, और खूब सारा स्मरण करो, प्रभु को प्रेम करो, है कि नहीं। और रही इसकी कथा की, तो कथा तो देखिए आपको बतेरी मिल जाएंगी, तो आप उन कथाओं को जो है सुन सकते हैं, ठीक है। और अगर समय मिला तो मैं आपको डाल दूंगी, मुझे लीला सुनानी थी लेकिन मैं लीला नहीं सुना पाई, देखिए यही वीडियो इतना बड़ा हो गया। सो खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास।